नमस्कार दोस्तों, एथिस ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। कल तैयारी क्या होगी, हमारी तैयारी कल के एपिसोड कैसा लगता है आपको, ये जरूर बताया करो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम इसे 5 मिनट डे चार्ट पे एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार पहले जाके और अपने लेवल थोड़ा बंद कर देते हैं पहले, तो हम क्लियर करने चाहेंगे। ठीक है, अब ये चीज देखिए, अब इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या निकल का, मेन सपोर्ट हमारा ये निकल का आ रहा है। ठीक है, पहला सपोर्ट हमारा ये है, ठीक है, और ये है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। अब इसी बीच में ब्रेक करके ऊपर की तरफ को जाएगी, अगर अच्छे टारगेट ऊपर की तरफ को, नीचे की तरफ को निकलेगा तो ये लेवल टूटने के बाद ना, तो ये वाला लेवल आएगा हमारा। उसके बाद जब दूसरा निकलेगा, दूसरा ये आएगा और तीसरा हमारा ये आएगा। ये हमारे सपोर्ट होंगे, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, ये हमारे सपोर्ट निकल कर आएंगे जो हमारे लंबे टाइम फ्रेम पे होंगे। नीचे की तरफ के लिए, ऊपर की तरफ जाने के लिए हमें ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, डे चार्ट पर कैंडल क्रॉस करनी पड़ेगी, उसके बाद लेवल देखेंगे ऊपर की तरफ क्या होगा। ठीक है, अपने टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं फटाफट क्या होता है। ठीक है, अपने लेवल खोल लेते हैं। ठीक है, हाँ लेवल खोल लिए। ठीक है दोस्तों, अभी अभी आपने देखा होगा कि मैंने बीच में भी आपसे बोला था एक बात, कि आपने हमारी वीडियो देखी होगी कि अगर मुझे कल ओपन इसी बीच में मिलता है और ऊपर तरफ निकलता है तो ये टारगेट लेकर चलूंगा। मगर ऊपर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे गया, साइडवेज जोन में फंस गया, उसके बाद लेवल निकला तो हमारा पहला टारगेट अचीव कर, उसके बाद हैमर दिया, हैमर के निकालने क्रॉस करने के बाद उसने पहला टारगेट और दूसरा टारगेट दोनों अचीव करे हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार और जाके चेक कर लेते हैं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है। ठीक है, देखो कल भी मैं पिछली वीडियो आपने देखी होगी मेरी तैयारी कल की, तो तैयारी कल की क्या हो, तो उसमें मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये निकल के आएंगे। यहाँ आएगा बाय को तो ये करेंगे, कॉल आएगा अगर नहीं यहाँ खुलेगा तो ये करेंगे। अब देखो इसी बीच में ओपन हुआ था, यहाँ पर ओपन हुआ था, मैंने कहा था इसी बीच में ओपन हो, ऊपर के बाद निकले और ये लेवल काटे तो मेरे टारगेट ये निकल के आएंगे, मगर नहीं ऐसा हुआ नहीं। ऊपर की तरफ को ओपन हुआ, वापिस आया, इसके भाई यहां से हमने कोई ट्रेड नहीं ली। स्कैल्पिंग जरूर करता हूं मैं छोटे छोटे, अगर स्पेस कम होता है तो। यहां इसने टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद इसने ये जब ब्रेक करा ना, ब्रेक करने के बाद रिट्रेस लिया, रिट्रेस लेने के बाद जब आया तो फर्स्ट टारगेट हमारा बिल्कुल सेफली उसने दिया, सेफ देने के बाद एक बार उसने यहां हैमर दिया, हैमर ने इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया इस वाले ने, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हैमर को जब निकाला उसके बाद पहला टारगेट दूसरा टारगेट दोनों टारगेट अचीव किए हैं दोस्तों इसने। ठीक है, अब कल क्या हो बैंक निफ्टी में, कल क्या हो ये जरूर देखेंगे हम। ठीक है, अब इस जोन को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, इसको हम बड़ा कर देंगे। अब कल मार्केट ओपन हो इसी बीच में, ओपन होने के बाद निकाले और इसके आसपास ये निकालने के बाद जब निकाले ना तो ये टारगेट लेता चलूंगा, पहला टारगेट मेरा यही होगा। ठीक है, और दूसरा टारगेट मेरा ये होगा। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ के लिए, अगर मार्केट इस कंडीशन में यहां खुलती है तो, अगर बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन मिल जाएगा उसके लिए मार्केट में सिनेरियो अलग हो जाएगा। अगर कल बीच में हमें इसी बीच में ओपन मिले, ओपन मिलने के बाद और ये लेवल नीचे की तरफ को काटे तो नीचे की तरफ को टारगेट निकल आएंगे मेरे ये वाले। ठीक है दोस्तों, ये निकल आएंगे मेरे नीचे की तरफ को टारगेट, नीचे निकल आएंगे अगर इसी बीच में ओपन होने के बाद निकलती है। बड़ा गैप डाउन मिल जाता है मुझे इसी बीच में, और इसी बीच में आने के बाद मैं टाइम बिताने के बाद देखूंगा मार्केट क्या करती है, ऊपर की तरफ को निकलेगी तो मैं ऊपर की तरफ टारगेट निकलूंगा, पहला टारगेट मेरा ये होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन में मैंने बता दिया कि मार्केट में होगा क्या, जहां होगा मेरी कंडीशन पर होगा तो काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, निफ्टी देख लेते हैं फटाफट, निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी में एक चीज बता दूं मैं आपको कि अब सपोर्ट ना, जब मैं बता रहा था आपको ये निकलेगा तो एक ऊपर लेवल होगा, अब ये सपोर्ट बनेगा। देखिए, जब भी हमारा सपोर्ट, जब भी रेजिस्टेंस के लिए तोड़ा इसने, तोड़ने के बाद वापस इसके लिए सपोर्ट हो गया, अब सपोर्ट ऊपर की तरफ को निकल रहा है, ये अगर नया हाई बनाया था इसने, अब वापस निकला, अब इसने देखो फ्लैग पैटर्न टाइप में बना दिया इसने, ये चीज देखो आप। ठीक है, अब इसने फ्लैग पैटर्न टाइप में बना दिया और फ्लैग पैटर्न कर क्या रहा है, फ्लैग पैटर्न ने क्या कर दिया, इसको बीच में क्लियर कर रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 दिन से इसी जगह ऊपर क्लोज कर गया ये। ठीक है, ऊपर क्लोज कर गया, क्लोज होने के बाद जब अगर इसका लेवल निकालेगा ना, अब इसका लेवल निकालेगा तो एक टारगेट निकल गएंगे लंबे ऊपर की तरफ के लिए। वरना अगर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दोबारा हटा के मैं दिखा दूं एक बार। ठीक है, हाँ ये अगर ये फ्लैग पैटर्न कामयाब हो गया, ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न कामयाब होगा, ये लेवल निकालता है तो ऊपर की तरफ को होगा, वरना इसी बीच में अगर ये निकलने के बाद नीचे की तरफ को निकलता है तो मेरा टारगेट ये नीचे की तरफ को, पहला टारगेट मेरा ये होगा, दूसरा टारगेट मेरा ये होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लियर है। ठीक है, हाँ अब इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर देख लेते हैं कि 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर 15 मिनट पर बात करेंगे और 15 मिनट पर भी, 20 मिनट उस पर, 5 मिनट पर टाइम फ्रेम पर लेवल खोल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, लेवल क्या है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, कल की तैयारी में हम भी ये इसमें निफ्टी में मैंने ये बोलता, अगर मार्केट इसी बीच में ओपन हो, ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ निकलो, पहले टारगेट मेरे ये होंगे। ठीक है, यही बोला था मैंने। ठीक है,
मगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट में कुछ और हुआ, ऊपर ओपन हो रहा, ओपन होने के बाद ट्रेडर्स टाइम बिताया, उसने वहां पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ टाइम बिताने के बाद दोबारा से नीचे को निकला, ये हुआ टारगेट। इसके बाद यहाँ पर हैमर का ब्रेक कर ऊपर की तरफ को निकलता चला गया, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट कहाँ आया, वहीं आया ना जहाँ से निकलते हैं चलते हैं। तो अब इसे 15 मिनट टाइम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एक बार जाकर क्लियर कर लेते हैं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर होता क्या है। ठीक है, अब ये देखो हमारी तैयारी क्या थी उस दौर, ये थी इसी बीच में ओपन हो, ऊपर की तरफ को निकले, पहला टारगेट मेरा ये होगा। ठीक है, अगर नीचे की तरफ को, यही ओपन होने के बाद नीचे को निकल दिया तो मेरे टारगेट ये निकल जाएंगे, स्कैल्पिंग तौर पर मैं काम करता चला जाऊंगा। ठीक है, अब मार्केट में क्या हुआ, ऊपर ओपन होने के बाद नीचे गया, पहला टारगेट दिया, इसी बीच में यहाँ पे टाइम बिताने लगा, टाइम बिताने के बाद दोबारा से ब्रेक करा, टारगेट कहाँ तक आए, अपने लेवल के अनुसार, लेवल के अनुसार आए। उसके बाद 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हैमर टाइप में मिले, उसके बाद ऊपर को ब्रेक करा, इसका ऐसा लग गया, ऊपर की तरफ को निकले, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, इसके आसपास क्वांटिटी फिनिश। ठीक है, ये मार्केट में स्ट्रक्चर काम हो गया कि किस तरह से मार्केट चलेगी। अब होना क्या है, अब कल मार्केट ओपन हो, ओपन हो इसी बीच में, अगर इसी बीच में ओपन हो या इस बीच में एक बड़ी सी कैंडल यहां बन जाए और इसी बीच में नाचने लगे तो मैं भाई साहब मार्केट में साइडवेज जोन में इसे कह दूंगा, इस बीच में मैं कोई ट्रेड करने वाला नहीं हूं। अब ये साइडवेज फंस जाएगी मार्केट, इसके ऊपर के शॉर्ट किए जाएंगे, इसके नीचे के शॉर्ट किए जाएंगे, बड़े सेफ जाएंगे तो इसके नीचे के शॉर्ट किए जाएंगे, बीच में प्रीमियम कर लेने देंगे। अगर मार्केट में गैप अप ओपन होने के बाद इसी के आसपास ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद यहां पर ओपन होने के बाद तब नीचे को तरफ निकलता है ना, तो एक स्कैल्पिंग की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, इस बीच में ओपन होगा, एक बड़ी सी कैंडल ऐसे बन जाएगी तो ट्रेड नहीं होगी, ऊपर ओपन होने के बाद ये निकालेगा तो एक स्कैल्पिंग होगी, अगर नीचे की यहाँ ही ओपन हो जाता है बड़ा एक, इसी बीच में ओपन हो गैप डाउन होने के बाद, यहाँ ओपन होने के बाद इस लेवल को नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ को जाएंगे, वरना ऊपर की तरफ को जाएंगे तो एक बार यहां तक ली जाएगी दोबारा से, मगर छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि इस बार और निफ्टी साइडवेज होने वाला है पूरे वीक, वीक में पूरे वीक में मूवमेंट मिलता है एक तरफ को तो एक अलग सिनेरियो होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो तैयारी कल की आपको कैसी लगती है हमें जरूर बताइएगा, तैयारी कल की वीडियो कैसी लगती है आपको, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दे दोस्तों। और हाँ, मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट फ्री ट्रेडिंग कोर्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ, पहली वीडियो आगे स्टॉक मार्केट फ्री ट्रेडिंग कोर्स के ऊपर, दूसरी आगे स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, तीसरी वीडियो आज अपलोड करने वाला हूं मैं दोस्तों, तो सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, दोनों सप्लाई और डिमांड जोन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन से ना दोनों एक ही थर्ड पार्ट में अवेलेबल होंगे आपको, आप जाकर फ्री है, बिल्कुल फ्री 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 जाकर देख सकते हैं आपको दोस्तों। ठीक है, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाते हैं, अपने दोस्तों को जरूर, फ्रेंड को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।